तो इसके अंदर से ये कार्ट्रिज निकली है दो, एक एक ब्लैक होगी, एक कलर होगी। कौन सी ब्लैक है जरा पड़े हैं? स्टेप ब्लैक कार्ट्रिज ये है, वो कलर है। हाँ, ये ट्राई कलर कार्ट्रिज है और ये ब्लैक कलर कार्ट्रिज है। ये दोनों निकले हैं इसमें, साथ इसकी ये वायर कॉर्ड, ये कनेक्टिंग कॉर्ड जिसका एक साइड लगेगा प्रिंटर पे और एक साइड लगेगा लैपटॉप या कंप्यूटर पे। ये सीडी मिली है जो कि ड्राइवर्स की सीडी है, जो कि इंस्टॉल करनी होगी प्रिंटर से कनेक्ट करने के लिए। लैपटॉप ले आना उधर से। इस तरीके से सील है, इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। शायद उल्टा निकाल रहे हैं। इसके अंदर और कुछ तो नहीं है, देखिए एक यूजर मैनुअल है डेस्कटॉप की, इसको देखेंगे हम बाद में। और क्या है, चलिए डब्बे के अंदर डब्बे का सामान डाल देते हैं, कार्ट्रिज छोड़ देते हैं। चार्जर करेंगे? हाँ, चार्जर भीतर ही थे, वो अंदर ही। ये इसका स्कैनर है और फोटोकॉपियर भी ये है, और इस साइड में इसके प्रिंटिंग का स्लॉट्स हैं, इधर प्रिंटिंग का सामान निकलेगा। और ये एक इन्होंने टेप लगा रखी है कार्ट्रिज फिलिंग से पहले की। इसके साथ साथ अंदर उन्होंने गत्ते भी लगा रखे हैं। अब इन्होंने इसके साथ में ये भी कनेक्ट कर रखा है इसमें। यूज क्या है ये तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। उसको नहीं चलाने के लिए यह तरीका, और इसको यूं कर देने से पूरा पेपर आ जाता है। लंबे पेपरों के लिए हम चले देखते हैं इसको, इसका यूज बाद में देखेंगे। आइए यूज मैनुअल देख लें।
इसमें 0.1 बताया हुआ है, जो कि किसी प्रिंटर को क्रॉस का साइन है, ये कैंसिल करने के लिए है। और इसके बाद दूसरा इन्होंने नंबर पॉइंट कि उसी प्रिंटिंग को अगर किसी को रिज्यूम करना है तो फिर वो ये बटन दबाना है। इसके बाद कॉपी ब्लैक एंड वाइट निकालनी है तो ये, कलर निकालनी है तो ये, और इसके बाद ये पावर का बटन है तो, और ये हमें इंक का बताएगा कि इंक ख़त्म हो रही है, लाइट होने इंडिकेट लो इंक हो गई है कार्ट्रिज में। आइए कार्ट्रिज खोलते हैं। ये 803 है। ये भी 803 ट्राई कलर वाली, ये ब्लैक एंड व्हाइट, ये ट्राई कलर। इस मैनुअल में और कुछ भी डिटेल्स ऐसे नहीं दी गई है। ये लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए है। लैपटॉप से वाईफाई के थ्रू इसको किसे कनेक्ट करेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये प्रिंटर में लगेगा जो कि पीछे ही दिया गया है। इसको एक बार आप इसको देख लीजिएगा, जिस तरीके की पोजीशन में है उसी तरीके में डालना है। दूसरा इसकी ये पावर सॉकेट है, पावर सॉकेट कुछ ज्यादा लंबा नहीं है तो हम इसके लिए इसका यूज करेंगे एक्सटेंशन कॉर्ड का। आराम से जाना चाहिए, ये ज़्यादा दम लगाने की जरूरत ना पड़े। अगर दम लगाने का मतलब हमने इसको उल्टी साइड में कर दिया। इसकी भी पावर देख लेते हैं कितनी है। इसको हम अपने लैपटॉप में किसी भी सॉकेट में हम कनेक्ट कर सकते हैं। इससे आगे की डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।